उन कलाकारों के लिए वाकई म्यूजिकल फाउंडेशन के पदाधिकारियों को बातचीत पर है कि सच्चे कलाकार को चुना उन्होंने, ये जो कलावंत सम्मान 2022 साल को मिला है एक सच्चे कलाकार को मिला है। और आपकी उनकी प्रतिभा से आपने महसूस किया होगा कि आज बस मन कर रहा था देखते जाए। फिर कभी कोई प्रोग्राम हुआ है, वैसे तो इसका स्थापना दिवस 28 जून है, लेकिन कभी सर्दियों में कोई प्रोग्राम होगा तो फिर हम आपको और ज्यादा जो है यहाँ पर देखेंगे आपकी नृत्य कला को। कुछ कहना चाहती हैं? बहुत बहुत शुक्रिया उपस्थित समस्त गुरुजनों, वरिष्ठ ग्वालियर शहर के कलाकार हैं, सभी को मेरा सादर प्रणाम। और आज जो स्वर्ण म्यूजिकल फाउंडेशन है उनकी अर्चना जी और उनकी सुपुत्री अंशिका ने ये एक सोच के साथ, अंशिका जो है एक युवा गायिका हैं और इनको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी और आपसे भी पहले आपकी माता जी को बधाई देना चाहूँगी कि ग्वालियर शहर जो है म्यूजिकल सिटी घोषित हो चुका है। उसमें मुझे अंशिका जो कि आज की युवा पीढ़ी है, एक पहल, मुझे लगता है कि अंशिका से ग्वालियर शहर की जो युवा पीढ़ी है उसको ये सीख लेना चाहिए कि अगर हम कुछ भी चाहें तो कर सकते हैं। उसके लिए ये मायने रखता है कि हमारे पास धन कितना है, ये मायने रखता है कि हमारे पास हौसले कितने बुलंद हैं अपनी भारतीय संस्कृति के लिए। तो अंशिका को बहुत बहुत बधाई, बहुत सारा आशीर्वाद, शुभकामनाएं। और पुनः इस फाउंडेशन के जितने भी पदाधिकारी हैं उन्होंने मुझे आज इस सम्मान से सम्मानित किया, उसको मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगी। और ये मेरा प्रॉमिस है इस फाउंडेशन को, मेरी तरफ से कभी भी किसी भी प्रकार की आवश्यकता होगी सबसे पहले डॉक्टर अंजना झा के लिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है।